3BHK का बिल्डर फ्लोर रोहिणी सेक्टर 24 EMI पे आप इस बिल्डर फ्लोर को ले सकते हैं। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक 3BHK का बिल्डर फ्लोर जो कि DDA के 64 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ है। टोटल जो जगह रहेगी वो 80 गज रहेगी। लोकेशन रहेगी रोहिणी सेक्टर 24, गेटेड सोसाइटी रहेगी और बहुत बढ़िया पार्किंग स्पेस भी आपको इस बिल्डर फ्लोर में मिल जाएगी। तो आज इसी पे हम विजिट करेंगे और इसके आपको प्राइस भी अपडेट करेंगे। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसमें हमारे को जगह मिलती है और किस तरह से पार्किंग की यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ पार्क ब्लॉक की पार्किंग स्पेस पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारा पार्किंग एरिया है। ये सारी पार्किंग स्पेस आपको ब्लॉक के अंदर मिल जाती है और जो आप मेरे पीछे पार्किंग के पीछे स्पेस देख रहे हैं वो है पार्क। ये ब्लॉक के अंदर हमारे को पार्क मिल जाएगा और पार्क की दूसरी साइड पे भी हमारे को इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस मिल जाएगी। तो पार्किंग बहुत बढ़िया स्पेस हमारे को रोहिणी सेक्टर 24 में मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं सारा पार्किंग स्पेस ब्लॉक के अंदर छोड़ा हुआ है और बिल्डिंग के सामने भी आपको पार्किंग मिलती है और स्टिल पार्किंग बिल्डिंग के नीचे भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्डिंग की फ्रंट एलिवेशन पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बिल्डिंग है जिसमें आज हम फ्लोर देखेंगे और इस साइड रहेगा हमारा एंट्रेंस गेट पॉकेट का। साइड से एंट्री और एक साइड से एग्जिट है। दो गेट इस पॉकेट में मिलते हैं, एक साइड से एंट्री रहती है और एक साइड से एग्जिट रहता है। ये सामने की रोड्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बिल्डिंग के सामने की रोड्स हैं। इस साइड रहेगा हमारा एंट्रेंस गेट और एक रोड रहेगी ये। सो फ्रेंड्स, ये रहेगी हमारी बिल्डिंग की फ्रंट एलिवेशन। अब चलते हैं हम अपने स्टिल पार्किंग एरिया की तरफ, देखते हैं कितनी पार्किंग स्पेस इस बिल्डिंग में हमारे को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा पार्किंग एरिया जिसमें हम अपनी गाड़ी और बाइक्स की पार्किंग कर सकेंगे और ये हमारे लगे हुए सेपरेट मीटर्स बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ से रहेगी एंट्रेंस, ये रहेगा मेन गेट जहाँ से हम अपनी पार्किंग में एंट्री कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये लगी हुई है हमारी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट, में भी काफ़ी अच्छी स्पेस हमारे को मिल जाती है और देखिए बहुत बढ़िया है, इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। और सामने ये रहेगा हमारा स्टेयर्स का एरिया। सो फ्रेंड्स, ये बना हुआ हमारा 3BHK का बिल्डर फ्लोर रोहिणी सेक्टर 24 DDA के 64 मीटर के प्लॉट पे ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो डोर पे हैंडल लगे हुए हैं और जो डोर की थिकनेस है बहुत अच्छी दे रखी है और ये लगा हुआ है हमारा वीडियो डोरबेल। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप पूरा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग हो रखी है फ्लोर के ऊपर। और ये आप लिविंग रूम में देख सकते हैं मिरर दे रखे हैं एंट्रेंस पे, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, 3BHK का ये बिल्डर फ्लोर है। अभी हम लिविंग एरिया के अंदर खड़े हुए हैं और ये आप डाउन सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं लिविंग रूम के अंदर। और यहाँ से अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ हमारे को ये मिलेगा। ये आप डाउन सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं और इस रूम के अंदर एक विंडो मिल जाती है ये, जो कि शावर से कनेक्ट रहेगी ताकि वेंटिलेशन ठीक रहे इसके रूम के अंदर। और ये सामने बनी हुई हमारी वुडन अलमीरा। ये स्पेस रहेगी हमारी वुडन अलमीरा के अंदर, जो आपको स्पेस मिल जाएगी काफ़ी अच्छे से, आप इसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। ऊपर भी एक ड्रॉअर मिल जाता है, फुल हाइट की वुडन अलमीरा रहेगी। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल साथ में ये हमारा बना हुआ है अटैच टॉयलेट बाथरूम। टॉयलेट बाथरूम में भी जो विंडो है वो शाफ्ट से कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम जिसमें हमारे को अटैच टॉयलेट बाथरूम और अटैच बालकनी मिलती है। फर्स्ट बेडरूम में जो हमने टॉयलेट बाथरूम देखा वही इस रूम के साथ भी कनेक्ट है, दोनों का कॉमन रहेगा। बालकनी के साथ विंडो है जिससे वेंटिलेशन अच्छी रहे रूम के अंदर। ये बना हुआ है हमारा इस रूम में LCD पैनल। LCD पैनल में भी हमारे को नीचे ड्रॉर्स मिल जाती हैं सामान रखने के लिए। और ये बनी हुई है हमारी इस रूम में वुडन की अलमीरा। ऊपर भी दो बॉक्स मिल जाते हैं और स्लाइडिंग डोर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। ये आप स्पेस देख सकते हैं, काफी अच्छी स्पेस मिल रही है हमारे को वुडन अलमीरा में।
तो फ्रेंड्स जो इस रूम में वॉलपेपर लगा हुआ है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगा हुआ है, टेक्सचर प्रिंट का ये लगा हुआ है, टेक्सचर फिनिश है इसकी वॉलपेपर की। और इधर ये रहेगा हमारा ड्रेसिंग टेबल एरिया, फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, सो एक लाइक बनता है इस पर। और ये रहेगी हमारी बालकनी की स्पेस, ये आप सामने की रोड्स देख सकते हैं, ये एंट्रेंस गेट हो गया और इधर हो गया पार्किंग एरिया जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। इस रूम के साथ जो हमारे को टॉयलेट बाथरूम मिलता है वो फर्स्ट रूम का ही कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड रूम का कॉमन रहेगा। सो फ्रेंड्स ये बनी हुई है हमारी मॉडुलर किचन, किचन के बाहर एंट्रेंस पर वुडन का काफ़ी अच्छा पैनल दे रखा है। और ये जो स्पेस छोड़ी हुई है यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। जो टाइल्स लगी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी डिजाइन की लगी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है किचन। किचन में आपको मॉडर्न किचन का काम मिल जाता है, अच्छी ड्रॉर स्पेस मिल जाती है ताकि आप अपना सामान अच्छे से इसके अंदर रख सकें, काफ़ी स्पेशियस ड्रॉर्स इसके अंदर बनी हुई हैं। और ये रहेगी विंडो ताकि वेंटिलेशन अच्छी रहे किचन के अंदर। सो फ्रेंड्स ये हमारा बना हुआ है थर्ड बेडरूम, थर्ड बेडरूम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक वुडन का पैनल बना हुआ है जिसके बीच में आप अपना डबल बेड सेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी लुक आएगी, दोनों साइड आपको ड्रॉर्स मिल जाएंगे और बीच में आपका बेड लग जाएगा, ड्रॉर्स में भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी सामान रखने के लिए। इस रूम में भी हमें विंडो मिल जाएगी ताकि वेंटिलेशन और सनलाइट अच्छी रहे रूम के अंदर। और सामने लगा हुआ हमारा एलसीडी पैनल। और ये देखिए डाउन सीलिंग का डिज़ाइन, बिल्कुल इस रूम से निकलते ही हमारा साथ में बना हुआ अटैच टॉयलेट बाथरूम जो कि लिविंग रूम से अटैच रहेगा, आपके जो गेस्ट आएंगे वो भी इसी टॉयलेट बाथरूम को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 3 BHK का बिल्डर फ्लोर रोहिणी सेक्टर 24। सो फ्रेंड्स ये जो बिल्डर फ्लोर अभी आपने देखा, ये देखा 3 BHK का बिल्डर फ्लोर जो कि DDA के 64 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ है, गज में अगर बात करें तो 80 गज जगह होती है, लोकेशन रहेगी रोहिणी सेक्टर 24। तो इस बिल्डर फ्लोर में आपको फर्स्ट फ्लोर की यूनिट मिल जाएगी जिसका आस्किंग प्राइस है 74 लाख रुपीज। इसमें आपको अगर बैंक लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा, अगर आप EMI कराना चाहते हैं तो किसी भी बैंक से आप इस बिल्डर फ्लोर पे लोन ले सकते हैं। अगर आप 20 लाख रुपीस का लोन लेते हैं 20 साल के लिए तो आपकी जो EMI आएगी 17 से 18 हज़ार रुपये अप्रोक्स आएगी, उसकी कैलकुलेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दे देंगे। तो आपने देखा इस बिल्डर फ्लोर में हमारे को काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस मिल जाती है, सोसाइटी के अंदर भी हमारे को काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस मिल जाती है। सो फ्रेंड्स जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा रिठाला मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 24 में मेट्रो प्रपोज है, बहुत जल्दी यहाँ पे आपको मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स हमारे पास 2 BHK 3 BHK और 4 BHK में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट है और जिस तरह का भी आपका बजट है हर बजट में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, इस बिल्डर फ्लोर की साइट विजिट के लिए भी आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसकी साइट विजिट करवा देंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस चैनल पे हम दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और सब्सक्राइब और करने से आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा कि हमारे पास जो बेस्ट डील चीपेस्ट डील आएगी जो कि ऐसी डील होगी जिसपे कम समय में आपको अगर डील को मैच्योर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। कई हमारे पास डील्स ऐसी आती हैं जिसमें किसी को अर्जेंट पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या जल्दी से जल्दी सेल करना होता है तो हम अपने सब्सक्राइबर के साथ ऐसी डील्स को शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।